पाम का पत्ता को इसी तरह पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको कटिंग करके उसको प्रिजर्वेशन किया जाता है। नीम के पत्ता और हल्दी के पानी में उसको उबलाया जाता है, उबलाने के बाद उसको फिर से धूप में डाला जाता है। धूप में डालने के बाद उसको सही साइज से कटिंग करके इसे निडिला के फेर में उसको स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग के बाद फ्री हैंड से पेंसिल का डायग्राम किया जाता है और इसी स्टाइलस में इसी तरह उसको एनग्राव किया जाता है। इसी तरह मैथोलॉजिकल का डिस्क्रिप्शन को सब फॉलो करते हैं। स्टाइलस वो पुराना टाइलस नहीं, जैसे ब्रश को पकड़ के पेंट किया जाता है वो एनग्राव किया जाता है। एनग्राविंग के बाद इसको विजिबल कराने के लिए नेचुरल का यूज किया जाता है, जिसी में पन्नी आम का सूप के साथ कूड़ा पल्टी का गम को मिला के एक नेचुरल सोल्यूशन बनाया जाता है। वो नेचुरल सोल्यूशन है वो कपड़ा के अंदर इसी को रख के इसको घर को जैसे तरह पोछा लगाया जाता है, इसको पोछा लगाया जाता है। तो ये कलर उस पे और 2-3 घंटा के बाद इसको जब साबुन पानी में साफ किया जाता है तभी वो कलर वो एनग्राविंग लाइन में एंटर करता है। जैसे कि इसी तरह इसे बन जाता है वो एनग्राविंग लाइन में एंटर करता है और पलरी के जब साबुन पानी में साफ होता है पलिस लाइन से वो कलर हट जाता है। उसके बाद उसको और डिटेलिंग बनाने के लिए बाय द ब्लेड से कट करके इसी तरह 3D इफेक्ट शो किया जाता है, जस्ट लाइक ए स्टोन कार्विंग। हर जेनरेशन में आर्ट का एक एक चेंजेस किया जाता है। जैसे कि पुराना टाइम में आर्ट के साथ डिस्क्रिप्शन दिया जाता था, अनस्ट्रेसिबल एनिमेटिव दैट नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रेम, नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रेम, वी डोंट हैव टू फ्रेम दिस। यस ओके।